राम राम दोस्तों। तो दोस्तों ये है ओप्पो A9 2020। तो इसमें ऑटोमेटिक ऑन ऑफ ऑन ऑफ की प्रॉब्लम है। ये देखिए अभी मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा, शायद ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैसे ठीक होगी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये देखिए ऑन हो गया ऑटोमेटिक, ओके। तो ये मैंने बैटरी भी रख रखी है कि बैटरी से प्रॉब्लम है, पावर बटन से प्रॉब्लम है, या इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और भी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना, ठीक है। इस चीज़ से रिलेटेड ऑटो ऑन ऑफ से, ठीक है। ओप्पो, वन प्लस, कोई भी फ़ोन हो, ट्रिक सब में सेम है, तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी ऑफ हो गया। तो दोस्तों हमें करना क्या है, देखो ऑफ हो गया, हमें वॉल्यूम डाउन दबा के रखना, ठीक है। जब हमारा ऑन होता है तब उस टाइम पे, ठीक है, वॉल्यूम डाउन दबा के रखेंगे, रिकवरी मोड पर आ जाएगा हमारा, ओके। तो हम जाने कैसे कि पावर बटन से दिक्कत है, बहुत बार पावर बटन से भी होती है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पता कैसे चलेगा आपको कि पावर बटन से है या नहीं है, ठीक है। हमने वॉल्यूम डाउन दबा के रखा, ठीक है। इसमें आ गया रिकवरी मोड, ठीक है। तो रिकवरी मोड हमारा आ चुका है। तो रिकवरी मोड में अगर हमारा स्विच ऑफ होकर ऑन होता है तो समझ लेना पावर बटन की दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे ऑफ हो जाता तो, पर फिलहाल यहाँ पे ऑफ नहीं होगा हमारा ये फ़ोन, क्योंकि ये मैं देख चुका हूँ। तो आप भी वेट करके देख लेना, वॉल्यूम डाउन दबा के रखा के, वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखे रहना, उसके बाद पता चल जाएगा कि जब रिकवरी मोड पे आके ऑफ होता है तो पावर बटन से। फिलहाल अब उसमें दो सिचुएशन है, या तो कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम होगी, या बैटरी की वजह से होगी, या सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दो तीन और प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल क्या करते हैं, बटन से तो है नहीं, तो हम जो है इसको स्विच ऑफ करके चार्ज में लगा के देखते हैं कि चार्ज होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ मैं, हेरा, ठीक है। चार्जिंग में लगा के देखता हूँ कि चार्जिंग में लगाने के बाद बैटरी परसेंटेज दिखाती है या नहीं दिखाता है। बहुत बार ऐसा होता है, बैटरी परसेंटेज देखो अब यहाँ पे, अगर बैटरी परसेंटेज दिखाए आपका, ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ भी बैटरी परसेंटेज दिखाए, एनीथिंग, ठीक है, तो उसका मतलब है कि बैटरी की प्रॉब्लम है। कि आप या तो बैटरी कैसे ठीक करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। अंदर एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसे शॉर्ट कर दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे हटा के ऐसे खोलोगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर बैटरी से नहीं है। यहाँ पे ना चार्जिंग शो कर रहा है, ना चार्जिंग का लोगो दिखा रहा है, ठीक है। एक बार चार्जिंग का लोगो दिखाया, दोबारा से ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि बैटरी से भी नहीं है। फिलहाल मैं ये आपको बैटरी लगा के भी दिखा सकता हूँ, फिलहाल बैटरी से नहीं है ये प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर चार्जिंग दिखाता है तो यह ध्यान रखें, यहाँ पे चार्जिंग दिखाएगा तो इसका मतलब है हमारा बैटरी से प्रॉब्लम ये है, ओके। देखो अब भी ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, स्विच ऑफ होने के बाद भी, तो दोस्तों बहुत सारी वीडियो देखी होगी, किसी में जो है ये जम्पर करते हैं, किसी में बटन लगाते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेस करें अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाए, या आपके फर्स्ट फ़ोन रिपेयर होना आया, ठीक है। तो अभी स्विच ऑफ हो गया, दोबारा से ऑन होगा, चार्जिंग का लोगो नहीं दिखा रहा है, तो हम चार्जर को निकाल लेते हैं, ठीक है। चार्जर निकाल लिया हमने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं, हर फोन खुलता किस तरीके से ये देख लेना, ठीक है। ये रहा, इसको हम जो है यहाँ से सिम ट्रे निकाल लेना, सिम ट्रे निकालने के बाद हम फोन ओपन कर लेते हैं, नट वट सारे खोल लेना, जल्दीबाजी में काम ना करें और फिंगरप्रिंट ख़राब ना हो खोलते टाइम, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब ये देखिए हमारा फ़ोन अभी स्विच ऑफ है, ये जो है बैटरी निकालोगे, बैटरी निकालने के बाद बैटरी का कनेक्टर निकालोगे, उसके बाद बैटरी कनेक्टर लगाओगे तो चेक करना कि हमारा ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ऑन होता है तो चांस है कि पावर बटन से है, फिलहाल मेरा हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे भी नहीं है, अब हमें क्या करना, दूसरी बैटरी लगा के देखना है, ठीक है। तो इस मॉडल की नहीं है पर है सेम टू सेम, ऐसे प्लस माइनस देख लेना, क्योंकि ये MAH का फ़र्क है, पर चल जानी चाहिए इस फ़ोन में भी ये बैटरी। तो हम लगा के देखते हैं, ठीक है, लगाई बैटरी, ऑन करके देखते हैं। ऑन हो गई, अब देखते हैं कि हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। देखो अब भी ऑन नहीं हो रहा है, दूसरी बैटरी लगाने के बाद भी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों बैटरी में प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी मेरी ओके है,
ये मुझे पता है, ये फ़ोन की, चालू फ़ोन की बैटरी है, तो इसमें भी देखो अब ऑफ हो गया फिर ऑन होगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो हमें करना क्या है, अगर ये बैटरी से भी प्रॉब्लम ना हो तो हमें करना क्या है, तो अभी ऑन करता हूँ मैं और रिकवरी मोड पे जाता हूँ, ठीक है। ऑन करके रिकवरी मोड पे जाता हूँ, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की प्रेस करके रखता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे पैक कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वॉल्यूम डाउन एंड पावर की प्रेस करके रखूँगा, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की, रिकवरी मोड पे जाऊँगा, ठीक है। पावर की छोड़ दूँगा, ठीक है। वॉल्यूम की भी छोड़ दूँगा, ठीक है। वॉल्यूम डाउन की, रिकवरी मोड आ गया। अब जाएंगे हम इंग्लिश में, तो यहाँ पे दोस्तों वाइप डाटा करके देख लेना, पर आपका डाटा पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो रिक्स जो है कि ये जो है पावर की देख लेना, ठीक है, और अपना पावर की और अपना बैटरी लगा के देख लेना कि इससे होता नहीं होता है। या बैटरी में जो अंदर एक कंपोनेंट होता है, यहाँ पे अंदर कंपोनेंट होता है, इसे हटाने के बाद आपका अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही करना, उसी के बाद आप ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ जैसे कि किस टाइप का होगा। इसमें तो थोड़ा बड़ा है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये हटाओ के पत्ते में होता है, तो फिलहाल इसमें नहीं है। तो मेरी वीडियो और देख लेना डिस्क्रिप्शन में ऑटो ऑन ऑफ की, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वाइप फॉर्मेट डाटा कर देते हैं, 1789 कोड डालते हैं और फॉर्मेट और रीसेट कर देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। देखो 78 हमारा परसेंट चार्ज है फ़ोन, 78% हमारा। ये देखो मैंने चार्ज भी किया था, रिकवरी मोड पे लगा के चार्ज किया था, ठीक है। मैंने चार्जिंग किया था रिकवरी मोड पे लगा के, ठीक है। जैसे रिकवरी मोड पे करके चार्ज किया था तो चार्ज हो रहा था। अब देखो मैंने फॉर्मेट कर दिया है, तो डाटा आपका फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, सोच समझ कर ही फॉर्मेट करें। तो हमारा थोड़ा सा टाइम लगता है, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा जो ऑन ऑफ हो रहा था ये प्रॉब्लम, ये देखिए सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों हमारा इजीली देखो फ़ोन ऑन हो चुका है, जो कि ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर रहा था। ना पावर बटन से दिक्कत थी, ना बैटरी से दिक्कत थी, सिर्फ रीसेट मारते ही हो गया। तो कि अब क्या करना है आपको, अगर आप फ़ोन रीसेट कर दे तो मॉडल मॉडल के हिसाब से इसका FRP बाईपास होता है। तो ये तो FRP आप इजीली कर लोगे। तो हमें जो है वाईफाई, मैं जो है आपको करके भी दिखाता हूँ। तो ये कितना एंड्रॉयड वर्ज़न है मैं ये भी चेक कर देता हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड वर्ज़न भी चेक कर लेता हूँ, 10 होना चाहिए कम से कम। हाँ 10 है, ठीक है। तो अब FRP बाईपास कैसे होगा इसका, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इमरजेंसी कॉल में जाओगे, *8113 फिर यहाँ पर डायल करोगे हैज, ठीक है, और आपका FRP बाईपास हो जाएगा। ये हट जाएगा, हट नहीं रहा है, नहीं हो रहा है इससे। तो वैसे हो जाना चाहिए, एंड्रॉयड 10 में हो जाता है, तो ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो दूसरी ट्रिक करनी पड़ेगी, तो उससे हो जाएगा। वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, FRP कैसे करोगे ओप्पो का, सारी वीडियो देख लेना, ठीक है, कमेंट कर देना। तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे होगा। तो FRP का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कैसे रिपेयर करना है ये बताना चाहता था। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, मुझे बताना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो और देख लेना। अपने माता पिता का ख्याल रखना। साथ में दोस्तों हमारे भी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।